एनडीएच न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई ने शमी को क्लीन चिट देकर उनका नाम नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया है। इस फैसले के बाद हसीन जहां ने बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया है। हसीन जहां अब तक सिर्फ अपने पति शमी से ही नाराज थीं, लेकिन अब उनके गुस्से का शिकार बीसीसीआई भी हो गया है। शमी को क्लीन चिट देने पर गुस्साई हसीन जहां ने पूछा कि ऑफिशियल टूर पर कॉल गर्ल को साथ ले जाने वाले किसी खिलाड़ी को बीसीसीआई कैसे क्लीन चिट दे सकती है। हसीन जहां ने बताया कि शमी कॉल गर्ल को उस होटल में लेकर जाते थे जिसका इंतजाम क्रिकेट बोर्ड करता है, इसलिए इसकी जवाबदेही बीसीसीआई की बनती है। हसीन जहां ने बीसीसीआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि बोर्ड अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को बचाता है, चाहे फिर उसने कोई भी अपराध क्यों न किया हो। गौरतलब है कि बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने शमी को क्लीन चिट देकर न सिर्फ उनका नाम नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया बल्कि उन्हें आईपीएल में खेलने की भी इजाजत दे दी है। शमी के एक्सीडेंट के बाद लग रहा था कि दोनों के बीच चल रहा विवाद अब थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हसीन के आरोपों से घिरे शमी ने उनसे बात तक नहीं की।